खड़ा दानो है, खड़ा है टुकड़ा है, खड़ा है खड़ा। दोस्तों ये हमारा दाना रहा धनिया का, ये इस पैकेट में खड़ा खड़ा निकला है, तो ये डायरेक्टली इसको हम लोग अभी छीटेंगे। दोस्तों एक पैकेट अभी पूरा तरह से छीट दिए और अभी दूसरा पैकेट पापा ले जा रहे हैं छीटने के लिए, और दूसरा पैकेट अभी छीटेंगे फटाक से। तब तक देखते हैं हम लोग अभी सजेंगे इसको, और इस बार थोड़ा अलग सजेंगे, फिर मतलब पिछले बार हम लोग सजते थे गर्मी वाला, इस बार हम लोग बरसात की जो केरी बनाएंगे, यानी कि लंबे लंबे जिसमें पानी निकल सके अच्छे से। दोस्तों ये हमारा खेती हो रहा है बरसात टाइम तक, पूरा हम लोग का ये खेत खाली था, इसमें धान का नर्सरी तैयार हुआ और उसके बाद और कुछ भी नहीं हुआ है। 4 से 6 महीना तक हमारा ये खेत खाली पड़ा हुआ था, आज पहला काम कर रहे हैं, यानी कि बरसात खत्म होने के बाद। अभी बरसात पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है और हम लोग यहाँ पे धनिया का बुआई किए हैं और कुछ लंबे लंबे कैरी तैयार कर रहे हैं। तो कैरी तैयार करने का फायदा भी है और इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुँचेगा हम सभी को, और आप सभी भी करते आप सभी को भी पहुँचेगा। तो दोस्तों जो डर था वही हुआ, आखिर में पानी तेज आ ही गया और हम लोग को काम यहाँ पे रोकना पड़ेगा, और काम पूरा तरह से हुआ भी नहीं, तो अभी हम लोग रुकेंगे और काम को बंद करेंगे पूरा तरह से। तो दोस्तों काफी तेज पानी मारा और यहाँ पे इतना तेज पानी मारा कि हम लोग का काम भी नुकसान हुआ, और प्लस भीग के तो हम लोग कर लिए काम, यहाँ तक हम लोग काम किए थे और उधर कर चुके थे, इधर से पूरा हम लोग भीग के किए हैं, पूरा शरीर से पूरा कपड़ा से पूरा पानी गिर रहा था और अभी पानी छूटा तो हम फिर से अभी बता देने आए हैं। और इस तरह की दिक्कतें यानी कि किसान को हमेशा अक्सर आपकी खेत में होती रहता है। और यहाँ पे देखिएगा कि इस जगह पर इतना पानी मारा कि यहाँ पर भी पानी जमा हुआ, पानी निकलने का था उधर से निकला प्लस उधर से निकला, पूरा पानी मार के पूरा किसान कर दिया। और देखते अब इसका जनरेशन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा वो कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि जो पानी मारा है काफ़ी ज़्यादा मार दिया, गीला गीला में हम लोग जैसे तैसे करके इसको सच के कंप्लीट किया। अब बताते हैं ये क्यों हम ऐसा किए थे, तो इस तरह लंबा लंबा हम किए इस कारण से ना कि पानी अधिक जैसे वर्षा होता है तो ये सीधा सीधा हमारा पानी हमारे खेत से निकल जाएगा, तो इसका एक ये फ़ायदा है। प्लस जिस समय आपको सिंचाई करना है आराम से सिंचाई बीच बीच में हल्का हल्का बांध देना है और फिर बीच से फिर सिंचाई करना है और अपने आप सिंचाई वो हो जाएगा, यहाँ एक काटोगे पूरा पानी खेत में चला जाएगा, पूरा सब तरफ पानी फैलेगा अच्छे से, तो इसका एक फ़ायदा है। अब देखते हैं जनरेशन हुआ तो ठीक है बढ़िया है, नहीं तो ये भी नुकसान जाएगा और क्या कर सकते हैं, कुछ भी इसके अलावा और कुछ कर नहीं सकते। बाकी अभी उधर के खेत काम करना है और उधर के खेत में भी काम करना है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से जानकारी के साथ अच्छे से टॉपिक में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।